नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनुष्का किचन में। तो आज है दिवाली, आप सबको हैप्पी दिवाली। और सुबह के जो कि 7 बज रहे हैं, और मित्या और मम्मी देखिए खेत में क्या कर रहे हैं। क्या कर रही हो मित्या? गोभी गोड़ रहे हैं हम लोग सुबह सुबह ही। हाँ, घर से गोड़ कर आए, चढ़ा कर आए, फिर देखिए ट्राई करने लगे। तो ठीक है, जल्दी गोड़ के आओ, चाय बन रहा है। और इधर बाबू, तुम क्या कर रहे हो? आपका खून दिखाया हमने। किसका? सांप का खून। सांप का खून? हाँ। कहाँ है खून? ये कहीं सांप का खून नहीं है। तो आज दिवाली है, तो सभी घरों में गोईठा और सूरन की सब्जी बनती है। तो हमने भी उतैला का दाल और चने का दाल भिगो दिया है, चलते उसको धुलती हूँ, खाने की तैयारी करते हैं। तो मैं खेत में से खनकर आ गई हूँ, और आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर मम्मा दाल धो रही है। तो इधर देखिए उतैले का दाल जो कि हमारे खेत का है, इसको मैंने रात भर भिगो दिया, अच्छे से फूल गया है। आज बनेगा गोईठा और सूरन की सब्जी, हमारे गांव में बनती है परंपरागत दीदी से, जो त्योहारों पे बनता है उसी तरीके से आज हम भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को हम धो रहे हैं, दो तरह का दाल लिए हैं, एक उतैले का दाल और एक चने का दाल भिगो दिए हैं। दोनों एक साथ हम धोने के बाद पीसेंगे सिलबट्टे पर। इसको हम कई बार पहले धो के परिया लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उतैले के दाल में कंकड़ वंकड़ भी रहता है, तो नीचे बैठ जाता है, तो उसको परिया लेते हैं दाल को। तो गोईठा के साथ जो कि सूरन की सब्जी बनेगी, तो यहाँ पे देखिए मैंने सूरन लिया है, उसको हम देखिए छील रहे हैं। छील लेते हैं इसको, छिलने पे थोड़ा सा हाथों में खुजली जरूर होती है, लेकिन थोड़ा दूर दूर से छिल रहे हैं, हाथों में तेल लगाए हम। इधर देखिए सूरन का जो कि छिलका हमने हटा लिया है, इसको साफ पानी से देखिए धो लेते हैं। तो सूरन को देखिए धोने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं इस तरीके से। देखिए मर्चा रख रही हूँ, लहसुन, हींग, जीरा, इसको हम पीस लेते हैं। उतैला का दाल, थोड़ा चने का दाल, तो इधर देखिए मैंने चावल का आटा लिया है, इसमें हल्का सा नमक डालेंगे और चावल के आटे का जो कि डो हम सान के तैयार कर लेते हैं। उधर मम्मी दाल पीस रही हैं, इधर हम आटा गूंथ के रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हम नमक इसमें डाल देते हैं। बाबू भी देख रहे हो क्या बन रहा है? आटा चाहिए। अभी गूंथने दो, इसमें देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को गूंथ लेते हैं। चावल का आटा वाइट भी होता है, चावल का आटा, चावल का आटा सफेद भी होता है, क्योंकि चावल सफेद है और इसका आटा बनता है। ये कितना जिद्दी है, लो चलो ठीक है। क्या बनाओगे उसका? लिट्टी पकाऊंगा। लिट्टी? लिट्टी नहीं बनेगा आज, गोईठा बनेगा फारा। इसमें थोड़ा सा देखिए पानी डालते हुए इसका हम डो तैयार कर लेते हैं सान कर। इधर मैंने बड़ा सा भगोना लिया, इसमें लेव लगा देते हैं राख का। ये देखिए राख है, ये इसी का लेव लगा देते हैं, इससे जो भगोना हमारा कम जलेगा। इसी में हम बनाएंगे गोईठा। तो लेव हमने लगा दिया है भगोने में, अब चल रहे हैं चूल्हे में ईंधन को जलाने। इधर अच्छे से जला देते हैं, चूल्हे में ईंधन को जला दिया। अब रखते हैं अपना भगोना जिसमें मैंने लेव लगाया है, अब इसके अंदर हम तेल लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने तेल लिया है, फैलाकर पतीले में अच्छे से लगा देंगे, जिससे गोईठा हमारा नीचे एकदम चिपके ना। अब थोड़ा सा इसको लाल करके तब इसमें हम पानी डालेंगे, जो हमने भगोने में तेल डाला था गर्म हो गया, इसमें देखिए पानी डालते हैं। तीन चार हरा मिर्चा और गरम मसाला, लहसुन, ये तेजपत्ता वजपत्ता सूरने की सब्जी के लिए पीस रहे हैं। देखिए मसाला पीस गया है, इसके कटोरी में उठा लेते हैं। तो कढ़ाई हमने रख दिया है सूरन की सब्जी बनाने के लिए, इसमें डाला है सरसों का तेल, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे मैंने पचफोरन लिया है, इसको डाल देते हैं सूरन की सब्जी में, इसका तड़का लगाते हैं। और पे तेज पत्ता लिया मैंने, इसको डालेंगे। थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, इसका जब तड़का लगता है तो बहुत अच्छा लगता है पचफोरन और तेज पत्ते का सब्जी में। इसको देखिए थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। इधर मैंने प्याज और हरी मिर्च काटा है, इसको डाल देते हैं। अब बढ़िया से इसको लाल कर लेते हैं तड़के को।
देखिए आटा तैयार है और ये पिठी तैयार है, लोई बना रखी है, भरने जा रहे हैं इसको नमक मिला के। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। इधर देखिए जो तड़का था हमारा प्याज और हरी मिर्च डाला था तो ये अच्छे से लाल हो गया है, ब्राउन हो गया है। उसमें कटे हुए सूरन को डाल देते हैं। तो सूरन को देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से लाल होने तक भून लेंगे। और आज के दिन देखिए सभी घरों में सूरन की सब्जी बनती है दिवाली वाले दिन, इसको जितना भुनेंगे उतना ये सब्जी बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट लगेगा खाने में। इसको फिर बढ़िया से पहले भूनते हैं। जब तक हमारा सूरन भुना रहा, देखिए हमने पका हुआ 5-6 टमाटर लिए, इसको एकदम लाल लाल लिया है, इसको हम बारीक दम काट लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। सूरन की सब्जी में टमाटर पड़ते हैं ना काफ़ी मात्रा में तो बहुत अच्छा लगता है और खट्टापन भी आता है, इसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं जो लोग टमाटर नहीं खाना पसंद करते हैं सूरन की सब्जी में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पका पका काफ़ी सारा लाल टमाटर लिया है, इसको एकदम बारीक काट लेंगे। इधर देखिए सूरन को हमने काफ़ी देर तक भून रहे हैं और लोहे कढ़ाई में भूने से थोड़ा सा काला पड़ गया सूरन, इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालकर इसको थोड़ी देर तक हम और भूनेंगे। और जो हमने भगोने में पानी डाला था ये गर्म हो गया है और इसमें डाल लेते हैं इसमें भी नमक, क्योंकि इसका माड़ भी पीती है, मिट्टिया पीती है, अम्मा पीती है, पसंद आता है इसका माड़। थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे पानी में, नमक डाल के इसको ढक देते हैं। तो सब्जी जब तक हमारा भुना, देखिए गोईठा भरने में थोड़ा टाइम लगा तो मम्मी अकेले भर रही है। इधर देखिए जो दाल में थोड़ा नमक डालते हुए हम इसको भर लेते हैं, देखिए इस तरीके से हमें रखेंगे दाल को, इसका मुंह बंद कर देंगे इस तरीके से। तो जो हमारा भगोना का पानी उबल रहा है उसमें देखिए इतना सारा गोईठा बना हुआ है, इसको हम चलते हैं डाल देते हैं। तो ये देखिए पानी बहुत तेज़ी से उबल रहा है, इस करके हम डालेंगे इसमें, देखिए किस करके इसको हम इसमें भगोने में डाल देते हैं। यह देखिए सूरन को हमने एकदम लाल करके भून लिया है, अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर। देखिए टमाटर मैंने काटा, इसको डाल देते हैं, अब बढ़िया सा और भून लेते हैं टमाटर के साथ भी। ये देखिए एक बार गोईठा डाला था, देखिए उबल कर ऊपर आ गया है, उतरा रहा है, अब इस बार दूसरी बार डाल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा करते हुए कई बार में गोईठा पड़ता है तब जाके पकता है, तो ऐसे धीरे करके करके डाल देते हैं। इधर देखिए टमाटर भी हमारा गल गया है, सब्जी का जो मम्मी मसाला पीसी थी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल के, अब इसको डालते हैं सब्जी में, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बढ़िया सा मसाले को भून लेते हैं। तो इधर देखिए गोईठा सारा बन गया है, मम्मी बना रही पूरा मिलकर, तो जल्दी बन गया है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है दाल पीसना फिर गोईठा बनाना, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए सब लोग मिल बांट के जल्दी काम कर दिया, जल्दी से हो भी गया। तब देखिए सारा जो गोईठा था हमने डाला था एक करके सब ऊपर आ गया, अब इसको भी डाल देते हैं। देखिए हमारा जो सूरन का सब्जी था इसका मसाला बढ़िया सा पक गया है, उसमें पानी डालेंगे। पानी हमने डाल दिया, इसको पका लेंगे अब ढककर। तो मैं दुकान से आई हूँ और मम्मा के लिए बहुत सारी टॉफी लाई हूँ, देखती हूँ मम्मा को कौन सा फ्लेवर पसंद आता है। तो देखिए मम्मा खाना बना रही है, मम्मा ये लो कौन सा फ्लेवर लोगी? अरे वाह मित्या, ये ले लो, ये दूध वाला है, ये चॉकलेट वाला है, और ये संतरा, ऑरेंज वाला मुझे पसंद आता है, मैं ये वाला लेती हूँ। अरे भी लो, थैंक यू मित्या, दिवाली में सबको चॉकलेट टॉफी ले आई है, थैंक यू मित्या, थैंक यू सो मच। पापा गए थे बाहर, तू आ गए, क्या लाए हो? मैं मिठाई लाया हूँ। और और आज पहली बार अपने लिए कपड़े दिए मैंने। सबके लिए लेता हूँ लेकिन आज मैंने दिवाली में अपने लिए कपड़े। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो पापा थैले में पता है अपने लिए कपड़े लाए, तो बाबू जिद कर रहा है कि मेरे लिए क्या लाया है? मेरे लिए क्या ला रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कल बूम लाए थे ना, इतनी सारी बूम कहाँ रखे हो? तोड़ताड़ के फेंक दिया। तोड़ताड़ के फेंक दिया? नहीं है। इतनी सारी बूम लेकर आए थे इसके लिए?
कुछ नहीं है, मेरा कपड़ा है ना सब। तो बच्चे लोग के देखिए भूख लगे, देखिए लकड़ी में कुछ कुछ गोईठा खा रही है, थोड़ा सा निकाल दी हूँ इसे, देखिए मेरा गोईठा भी हो गया है। बाबू को भी दे दो मुन्नू से गोईठा। बाबू ले छोटा सा बना। गरम तो नहीं है? नहीं, आराम से, भूख भूख अभी गरम है। फूंक दो। दो फूंक दो। हैप्पी बर्थडे पापा। एक कैंडल है। कैंडल है? हाँ। आग लगा दो। कैसा बनाया बाबू? बहुत टेस्टी बनाया, बहुत टेस्टी बनाया। गोईठा सिर्फ वैसे ही टेस्टी नहीं लगता जब तक सब्जी से ना खाया, मजा नहीं आता। तो देखिए इधर हमारा सूरन का सब्जी और गोईठा बनकर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं बर्तन में खलिया लेते हैं। देखिए इधर सब्जी भी पककर एकदम गाढ़ी हो गई है, लोहे की कढ़ाई में मस्त बनी। हाँ, लोहे की कढ़ाई में इसलिए थोड़ा सा काला दिख रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया बना है सूरन की सब्जी भी। अब गोईठा को हम क्या करेंगे, एक बर्तन में देखिए निकालेंगे अब हम। इधर देखिए गोईठा हो गया, तो गोईठा को एक एक करके हम एक बर्तन में निकाल लेते, ठंडा हो जाए क्योंकि अब भूख लगी, सबको खाना निकालते हैं। सूरन की सब्जी भी हो गई है, तो सूरन की सब्जी को बर्तन में खलिया देते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे गांव में परंपरागत तरीके से गोईठा और सूरन की सब्जी जरूर बनता है दिवाली वाले दिन, और बहुत टेस्टी बना है गोईठा और सूरन की सब्जी। बच्चे अब खा रहे हैं, काफ़ी भूख लगी है और बनने में बहुत समय भी लगता है। और इसमें देखिए मम्मी भी लगी थी, मैं भी लगी थी, सब लोग मिल के आज हमने गोईठा बना दिया और सूरन की सब्जी भी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी दिवाली।